जैसा कि आप जानते हैं, मैं पिछले कुछ दिनों से यहाँ बिहार आई हुई हूँ और मुझे यहाँ अगर आपको बात सुननी है तो सुन लीजिए, अगर आपको आपस में झगड़ा करना है तो फिर मुझे वही बताइए। तो यहाँ मुझे कई जगह जाने का मौका मिला, जिसमें नालंदा में हमारे जो वहाँ के राजा रहे हैं यूसुफ शाह चक, उनकी वहाँ मज़ार है, और उसके बाद बोधगया गई, मैं बहुत अच्छा लगा, और आज मैं गई थी यहाँ गुरुद्वारे गोविंद जी सिंह जी के यहाँ, तो अच्छा लगा, मेरा एक्सपीरियंस बिहार का बहुत अच्छा रहा। और ख़ासकर नीतीश जी के हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने न सिर्फ मुझे मौका दिया यहाँ जाने का, बल्कि हम सब लोगों को जो इस वक्त अपोजिशन की पार्टीज़ हैं उनको इकट्ठा करने में उन्होंने बहुत बड़ा रोल अदा किया है। और सब लोगों का यही था कि जो इस वक्त अटैक हो रहा है आइडिया ऑफ इंडिया के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, डेमोक्रेसी के ऊपर, सेकुलरिज्म के ऊपर, इसको किसी ना किसी तरीके से बचाना है। वैसे भी हमने देखा कि जब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब बाहर चले जाते हैं, अमेरिका चले जाते हैं, तो वहाँ वो गांधी जी की मूर्ति को उसके सामने झुकते भी हैं, मालाएँ भी पहनाते हैं, मुल्क की डेमोक्रेसी की बात करते हैं सर उठा के, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं और शेयर्ड वैल्यूज़ की बात करते हैं, जिनकी वजह से उनकी वहाँ बहुत इज्जत अफजाई होती है। तो जब यही लोग जब वापस आते हैं इंडिया के अंदर, मुल्क के अंदर, तो गांधी जी के जो किलर हैं गोडसे, उनकी पूजा करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को तितर बितर कर देते हैं, जमहूरियत का नामो निशान मिटाते हैं, और जहां सरकारें इलेक्ट की होती है लोगों ने, उन सरकारों को गिरा के डेमोक्रेसी को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं। तो ये शायद भूल जाते हैं कि जो बाहर जाके फॉरेन कंट्रीज़ में, अमेरिका में, बाकी जगह ऑस्ट्रेलिया में इनको जो इज़्ज़त मिलती है वो किसी इंडिविजुअल को नहीं मिलती है, वो इस मुल्क के संविधान, इस मुल्क की डेमोक्रेसी, इस मुल्क के जो गांधी, जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर जी ने सॉफ्ट पावर बनाया हिंदुस्तान को। ये जो लोग झुकते हैं वहाँ हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास जाके बात करते हैं, उनकी इज़्ज़त करते हैं, तो ये उस सॉफ्ट पावर हिंदुस्तान की इज़्ज़त होती है, जिसको फटाफट जब वापस आते हैं तो भूल जाते हैं और फिर वही हिंदू मुस्लिम झगड़ा वगैरह कराते हैं। और इसमें हम जम्मू कश्मीर के लोगों का सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट होने के बावजूद भी हमने अपनी मर्ज़ी से इस मुल्क के साथ हाथ मिलाया, ये सोच के कि ये एक मुल्क सेक्युलर मुल्क है, डेमोक्रेटिक मुल्क है, गांधी का मुल्क है, जवाहरलाल नेहरू का मुल्क है, अम्बेडकर का मुल्क है, इसमें रह के हमारी सुरक्षा रहेगी, हमारी आइडेंटिटी, हमारी शिनाख्त, हमारी जो डाइवर्सिटी है वो यहाँ पर बिल्कुल कायम रहेगी। पर जो हमारे साथ हुआ, खासकर 2019 को 5 अगस्त को जिस तरह से हमारे रियासत को तोड़ा गया, उसके बाद उसको डिमोट किया गया, उसके बाद उसको डिसमेंबर किया गया, यानी टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, हमारे जो इख्तियारात है वो छीने गए, और बदकिस्मती से उस वक्त जितनी भी अपोजिशन पार्टीज थी ज़्यादातर तमाशा देखती रह गई, उनको ये पता नहीं चला कि जो आज कश्मीर में हो रहा है वो कल उनके साथ भी हो सकता है। जम्मू कश्मीर की जो स्पेशल स्टेटस है वो कोई हमें पाकिस्तान या चीन ने नहीं दिया था, वो इसी मुल्क के संविधान ने दिया था, और उसकी प्रोटेक्शन करना, संविधान की प्रोटेक्शन करना, कोई भी सरकार बने, कोई भी जमात बने, उनका पहला फ़र्ज होता है कि जो संविधान में लिखा है उसके ऊपर हम अमल करें, न कि उसको सबवर्ट करें। तो उसको तमाशा देखते रहे, क्योंकि हमारी जो जम्मू कश्मीर की जो असेंबली थी, मोस्ट पावरफुल असेंबली थी पूरी कंट्री में, और एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर उसका एक सिंबल था, पर सारा इन्होंने उसको जो तबाह किया, और बदकिस्मती से जो लोग हैं बीजेपी वाले और उनके भक्त तो उसमें मिठाइयाँ बांट ही रहे थे, पर हमारे अपोजिशन वालों ने भी वहाँ काफ़ी लोग थे जिन्होंने वहाँ टेबल बजाया, और आज उनको समझ आ रही है कि जब दिल्ली में ऑर्डिनेंस आ गया, जब बाकी जगह इन्होंने सरकारें गिराई, हमारी तो जम्मू कश्मीर में सरकार बननी ही नहीं दी, हमारी जिस वक्त हम सरकार बनाना चाहते थे 2018 में, तो सत्यपाल मलिक साहब ने कहा मेरा फैक्स ख़राब हो गया,
तो यानी जमहूरियत का, डेमोक्रेसी का, जिसका बाहर के मुल्कों में जाके ये डोल पीटते हैं, वहाँ तालियां बजवाते हैं, तो उसका मुल्क के अंदर उसका गला घोटा जा रहा है। तो अगर अपोजिशन पार्टीज, जिस तरह इन्होंने पार्लियामेंट में बुलडोज किया जम्मू कश्मीर की खसूसी पोजीशन को, जम्मू कश्मीर के स्टेट को टुकड़े टुकड़े कर दिया, आप उसी पार्लियामेंट में ये ऑर्डिनेंस ला रहे हैं जो दिल्ली के खिलाफ है, दिल्ली के लोगों के खिलाफ है, तो अगर आज भी अपोजिशन इकट्ठे नहीं होती तो मुझे लगता है 2024 में ना अपोजिशन बचेगी ना अपोजिशन लीडर बचेंगे जो हमारे साथ किया। 2019 में एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन चीफ मिनिस्टरों को इन्होंने अरेस्ट कर दिया। हमारा कसूर कुछ भी नहीं था, हमारे हज़ारों की तादाद में हमारे बच्चे, हमारे नौजवान, उनको जेलों में बंद कर दिया 2019 में। कसूर क्या था? कसूर ये था कि इनको मालूम था कि हम अनकॉन्स्टिट्यूशनली, इलीगली सुप्रीम कोर्ट की जो डिसीजंस हैं उनको सबवर्ट करके, कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के उसको सबवर्ट करके एक ऐसा एक्शन लेने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में जो हर चीज़ के ख़िलाफ़ है, जो आइडिया ऑफ इंडिया के ख़िलाफ़ है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है। तो इसलिए हमको भी बंद कर दिया, हमारे नौजवानों को भी बंद कर दिया, उनको मुल्क की डिफरेंट जेलों में डाल दिया, और उनमें से आज भी सैकड़ों की तादाद में जेलों में बंद है। तो मैं समझती हूँ कि जम्मू कश्मीर एक लेबॉर्टरी बन चुका है। वहाँ पहले तो कश्मीर में जो होता था तो वो कह रहे थे कि हम इंडिया को कश्मीर में जो है इंडियनाइजेशन ऑफ कश्मीर करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। अब मुझे लगता है पूरे मुल्क का कश्मीराइजेशन हो रहा है। जो जर्नलिस्ट बात करता है उसको जेल में डाल देते हैं, जो इनके सामने खड़ा होता है उसके यहाँ ईडी का छापा पड़ता है, सीबीआई का छापा पड़ता है, एनआईए का छापा पड़ता है। हमारे कश्मीर में तो रोज़ ऐसा ही होता है। तो इसलिए मुझे खुशी है कि नीतीश कुमार जी ने सबको इकट्ठा लाया, इकट्ठा किया। ये इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम किया उन्होंने, जिसके लिए मैं उनको बार बार जो है कॉम्प्लीमेंट करना चाहती हूँ। लालू जी भी थे, तो मुझे उम्मीद है कि जो मुल्क के हालात, अगर इस मुल्क को बचाना है, यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है, ये हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। अब देखिए, अभी हमारे जो किसान मर गए या मार दिए गए, जिनके ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई, वो तो मुसलमान नहीं थे, वो तो हिंदू थे। तो उस वक्त कौन सा लिहाज कि आज जो हमारी बच्चियाँ, जो पहलवान बच्चियाँ इतने दिनों से दर दर हो रही हैं जंतर मंतर और दिल्ली में, जिनकी जिसने जिन उनके साथ ज्यादती की है वो घूम रहा है, सर उठा के घूम रहा है, वो भी, वो बच्चियाँ तो मुसलमान नहीं हैं, वो तो बिल्किस बानो नहीं है, पर उनके साथ क्या हो रहा है? तो मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर हम सब लोग इकट्ठे होके मुल्क के लोगों को एजुकेट नहीं करेंगे कि आने वाले वक्त क्या होने वाला है, ये तो खाली अमेरिका में तो हिंदुस्तान नहीं बसता, हिंदुस्तान तो यहाँ बसता है, जहाँ आपके पास लोगों को, जब से ये सरकार बनी है गरीबी और ज़्यादा आ गई है, लोगों को अगर फ्री राशन ना मिले तो खुदा ना खास्ता भूखे मर जाएंगे, क्योंकि उनके पास नौकरी कमाने का साधन नहीं है। बेरोज़गारी में विश्व गुरु बन गए हम, इंटरनेट शटडाउन में विश्व गुरु बन गए हैं, महंगाई में विश्व गुरु बन गए हैं, एक दूसरे को नोच खाने में विश्व गुरु बन गए हैं। तो ये सब तब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक अपोजिशन इकट्ठा नहीं होगा। और मुझे खुशी है पटना एक ऐसी जगह बनी जहाँ पहली बार इतनी अपोजिशन की पार्टी इकट्ठे हुई और उन्होंने बात की और उन्होंने ये अहद किया कि हम इकट्ठे होंगे, अगर इस मुल्क को बचाना है, अगर इस मुल्क की जो वहदत है, इस मुल्क की जो इंटेग्रिटी है, अगर गांधी के मुल्क को बचाना है, अगर नेहरू के मुल्क को बचाना है, तो उसकी शुरुआत जो है, जो शुरुआत उन्होंने जम्मू कश्मीर में की आइडिया ऑफ इंडिया को दफन करने की, उस शुरुआत को पटना से हमने शुरू किया कि फिर से ज़िंदा करना है और इस मुल्क को बचाने के लिए जितने भी लोग आए थे हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं, क्योंकि इन्होंने हर चीज़ को, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन हो चाहे सुप्रीम कोर्ट है, उसको मलियामेट किया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को लेके कि प्रेसिडेंट तब तक उसको हाथ नहीं लगा सकता है जब तक कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उसको रिकमेंड ना करे। तो हमारे पास कहाँ है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वो तो 50s में ही ख़त्म होगी। तो इलीगली इन्होंने सारा काम किया है। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि यहाँ जो हमारी पटना में मीटिंग हुई, मैं उसको बहुत ही ऑस्पिशियस समझती हूँ, उसको खुशकिस्मत समझती हूँ, अच्छा शुरुआत हुई। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे जो हमारी मीटिंग होगी उसमें बाकी नीटी ग्रिटीज़ भी जो है तय हो जाएंगी और नीतीश कुमार जी
इसमें भी आगे चल के इससे भी बढ़ चढ़ कर रोल अदा करेंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज गो अहेड। जी मैं प्रशांत झा हूँ जी मीडिया से। सवाल है कि कल की बैठक में अरविंद केजरीवाल को लेकर के ये विवाद हो गया है कि उन्होंने बैठक छोड़ दिया और उनका जो ऑर्डिनेंस का इशू था उस पर कोई डिस्कशन बैठक में नहीं हुई। नहीं, ऐसी बात नहीं है, उन्होंने बैठक नहीं छोड़ी, वो पूरा टाइम बैठे रहे। लंच भी वहाँ उन्होंने, वहाँ हम लंच करने के लिए गए, वहाँ भी वो थे। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले हो सकता है उनको कोई काम था। जहाँ तक ऑर्डिनेंस की बात है, मुझे लगता है कि कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी है, उनको आपस में डिस्कशन करना होता है। ये जो कल की मीटिंग थी ये ऑर्डिनेंस के लिए नहीं बनी थी, ये मीटिंग बड़े इश्यूज डिस्कस करने के लिए बनी थी। और जब ऑर्डिनेंस का वक्त आएगा तो कांग्रेस उसमें अपना फैसला करके वो बता देगी। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई ऐसी कोई मतलब घबराने की कोई बात है। एक पुराना ट्वीट जो है वो सामने आया, अजय माकन ने रखा है, जब 370 हटाया गया था तो केजरीवाल ने उसे अच्छा कदम बताया था। अब इसी यही वजह है कि केजरीवाल के साथ खड़े होने में न सिर्फ कांग्रेस बल्कि बाकी पार्टियां मन ही मन हिचका रही है, क्योंकि वो थाली के बैगन की तरह इधर से उधर होते रहते हैं। देखिए, केजरीवाल जी से हमने वो शिकायत गिला जरूर किया कि जब हम पे बीती तो आपने तो उस वक्त उसका सपोर्ट किया और आज आप उसी जगह खड़े हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है, जो आइडिया ऑफ इंडिया है वो ही हमको साथ लाता है। हमारे आपस में बहुत मतभेद हो सकते हैं, जैसे आपने देखा उद्धव ठाकरे साहब और हम एक साथ बैठे थे, जबकि हमारी आपस में जो बहुत डिफरेंसेस है, मेजॉरिटी डिफरेंसेज है आइडियोलॉजीज़ में, सोच में, बाकी चीज़ों में, मगर दिस इज़ द आइडिया ऑफ इंडिया कि आइडिया ऑफ इंडिया को कैसे बचाएँ, गांधी के हिंदुस्तान को कैसे बचाएँ, अपने कॉन्स्टिट्यूशन जो आपको हमको राइट देता है बात करने का, जिंदा रहने का, उस कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे बचाएं, क्योंकि अगर आज हम इकट्ठे नहीं हुए तो कभी इकट्ठे नहीं हो पाएंगे और मुल्क नहीं रहेगा। क्योंकि जो मुल्क, मैंने कहा कि जब हमारे वजीर आजम बाहर चले जाते हैं तो जहां उनको इतना स्वागत होता है तो वो उनके लिए नहीं होता है, वो उस मुल्क के लिए होता है, गांधी के मुल्क के लिए होता है, जिसको वहाँ वो हार पहनाते हैं और वापसी पर आके वो जो उनकी कोई मेंबर पार्लियामेंट है तो वो गोडसे जी की पूजा करती है। लेकिन जिस तरह से आपने एक सवाल पूछा, आई एम फ्रॉम एएनआई रमन, यू ऑल केम अप फ्रॉम विद योर ओन एजेंडा, केजरीवाल, यू एंड ममता, हाउ इट इज पॉसिबल टू? नहीं, कोई एजेंडा नहीं था, एजेंडा यूनिटी का था, सबका एक ही एजेंडा था। बेशक केजरीवाल जी ने मेंशन की ऑर्डिनेंस का, बाकी किसी ने यूनिटी, आइडिया ऑफ इंडिया, गांधी के हिंदुस्तान को, कॉन्स्टिट्यूशन को, डेमोक्रेसी को, सेकुलरिज्म को, भाईचारे को, गंगा जमुना तहजीब को कैसे बचाना है, इसके अलावा और कोई बात नहीं हुई। आई एम बी क्वेश्चनिंग ऑन इट, हाउ इट इज पॉसिबल टू गेट टुगेदर विद यू ऑल। ऐसा वे से कि जो आइडिया ऑफ इंडिया है वो अलग अलग, आपने देखा कि उदय ठाकरे जी और हम एक साथ बैठे थे, क्या बैठ सकते हैं, कभी सोच सकते हैं? और इसी आइडिया ऑफ इंडिया को कि जहाँ डाइवर्सिटी, जहाँ अकोमोडेशन हो, एक दूसरे के साथ बैठ के बात कर सके, That is what idea of India, उसी को हम बचाना चाहते हैं। आपने ऑलरेडी पूछ लिया, प्लीज। ऑपोजिशन का बेस फेस वो कौन होगा, क्या उसका बात नहीं, वो जरूरी है क्या? वो क्या जरूरत है जब अपोजिशन, इतनी बड़ी अपोजिशन जिसने मोर देन 60% वोट लिया है अलग अलग करके, जब वो इकट्ठे हो जाती है तो कोई भी लीडर बन सकता है। एक नहीं, कई फेसेस हैं आपके सामने, कई फेसेस हैं, और फेसेस जो है वो लोग चुनते हैं। जब कल को लोग अपोजिशन को, अगर ये इकट्ठे हो जाते हैं, 60% से ज़्यादा वोट है अपोजिशन का, तो कौन सी बड़ी बात है, फेस तो खुद ही बन जाता है।